हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स फॉर इट्स ग्रोथ से रिलेटेड एस्पेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का लिटरल मीनिंग है डेलीगेटिंग द पावर टू लेजिस्लेट। जैसा कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर में डिस्कस किया था कि लॉ बनाने का पावर लेजिस्लेटर के पास होता है और जब ये पावर किसी स्टैट्यूट के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दिया जाता है तो उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा ये लॉ बनाने का पावर सबॉर्डिनेट होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ग्रोथ के क्या फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन स्टैट्यूट लेजिस्लेशन से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि लॉस जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ बनाते हैं रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉस के फॉर्म में, वो इजीली चेंज किया जा सकता है अगर एक सिचुएशन डिमांड करती है तो। लेकिन लॉस जो लेजिस्लेशन बनाती है उसे इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। सेकेंड, टेक्निकलिटी। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि लेजिस्लेटर्स के पास टेक्निकल नॉलेज हो। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के पास टेक्निकल मैटर्स को डील करने के लिए एडिक्वेट नॉलेज होता है। थर्ड, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करने का अपॉर्चुनिटी देती है। ये एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस नेसेसरी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। फोर्थ, एमरजेंसी सिचुएशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एमरजेंसी के दौरान काफ़ी यूजफुल होता है क्योंकि एमरजेंसी के दौरान क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन लेना ज़रूरी है जो लेजिस्लेटर के लिए पॉसिबल नहीं होता। फिफ्थ, इनसफिशिएंट टाइम। लेजिस्लेचर के पास सारे मैटर्स डिटेल में डिस्कस करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव के पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है एंड उन्हें सोसाइटी के लोकल नीड्स के बारे में भी काफ़ी जानकारी होती है। चलिए डिस्कस करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइप्स। फर्स्ट, डेलीगेशन इन फेवर ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। सेकेंड, डेलीगेशन इन टैक्सिंग लेजिस्लेशन। थर्ड, कंडीशनल डेलीगेशन। फोर्थ, सब डेलीगेशन। फिफ्थ, हेनरी 8 क्लॉज। इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। डेलीगेशन इन फेवर ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। फर्स्ट, लोकल अथॉरिटीज़ में म्युनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स, लोकल बोर्ड्स इंक्लूड होते हैं। सेकेंड, ये अथॉरिटीज़ सबॉर्डिनेट नेचर के होते हैं और गवर्नमेंट अफेयर्स के पार्ट पर फंक्शन करते हैं। थर्ड, लोकल अथॉरिटीज़ को स्टैट्यूट्स में रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉस बनाने के लिए डेलीगेट किया गया है। डेलीगेशन इन टैक्सिंग लेजिस्लेशन। फर्स्ट, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 265 का सबसे इम्पॉर्टेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। टैक्स इम्पोज करने का पावर लेजिस्लेशन का फंक्शन है। सेकेंड, अगर लेजिस्लेटिव पॉलिसी प्रॉपर वे में बनाया जाए तो टैक्स रेट फिक्स करने का पावर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दिया जा सकता है। कंडीशनल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फर्स्ट, इसका मतलब स्टैट्यूट तभी इफेक्ट में लाए जाएंगे जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी गिवन कंडीशंस को फुलफिल करती है। सेकेंड, इस तरह के लेजिस्लेशन में लेजिस्लेचर के द्वारा लॉस इनैक्ट किए गए हैं जो कंप्लीट और क्लियर होते हैं, लेकिन लॉस फोर्स में नहीं लाए जाते, बल्कि ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर होता है कि लॉस फोर्स में लाना है या नहीं। ये कुछ कंडीशंस के फुलफिलमेंट के ऊपर होता है। सब डेलीगेशन। इस तरह के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से दूसरे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है जो सबॉर्डिनेट होते हैं। हेनरी 8 क्लॉज। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हेनरी 8 क्लॉज का मतलब एग्जीक्यूटिव को एक्ट के प्रोविजंस वैरी करने के लिए एम्पावर करता है। इस क्लॉज को एक्सेप्शनल डेलीगेशन भी कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स। सेकेंड, डिफाइन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट्स ग्रोथ। थर्ड, एक्सप्लेन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, व्हाट रोल डज इट प्लेस इन अ वेलफेयर स्टेट। तो ये थे डेलीगेटेड अथॉरिटी का मीनिंग, ग्रोथ के फैक्टर्स एंड उसके टाइप्स। Please check the description box for more information about PLEA. Thank you.